नमस्कार मित्रों, सोशियोलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा रिसर्च मेथोडोलॉजी की। जी हाँ, फीचर ऑफ ए गुड रिसर्च स्टडी। मध्य प्रदेश सरकार ने बीए सेकेंड ईयर में हमारे साथ में रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर रखा है, और एमए में तो हम सभी पढ़ते हैं, बीए फाइनल में था पहले, अब सेकेंड ईयर में रिसर्च रखा गया। रिसर्च हर फील्ड में होती है, समाज विज्ञान से लेके विज्ञान, कॉमर्स, मैनेजमेंट, हर जगह रिसर्च का प्रयोग होता है, शोध होती है। कुछ नई चीज़ जानना और जो पहले से जानकारी हो चुकी है उसमें क्या बदलाव आया है उसके बारे में जानकारी लेना, ये कहलाता है रिसर्च। एक अच्छी रिसर्च कैसे हो? आप जो भी रिसर्च स्टडी करना चाहते हैं, शोध अध्ययन करना चाहते हैं, उसके कुछ खास फीचर हैं जिस पर आज मैं आपसे चर्चा करूँगा। वो अगर आप ध्यान रख के करें ये रिसर्च, तो आपकी रिसर्च एक अच्छी यूनिक रिसर्च होगी, आपका शोध उत्तम दर्जे का शोध होगा, और उसके कारण आपकी वाहवाही होगी, सरकार को भी मदद मिलेगी, समाज को भी मदद मिलेगी, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक माइलस्टोन का काम करेगी। कुछ बिंदु मैं बताऊंगा आपको जिस पर चर्चा कर रहा हूं, जिसका हर शोधार्थी को ध्यान रखना चाहिए। पहला है बिंदु ऑब्जेक्टिविटी। आपकी रिसर्च हमेशा वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, निष्पक्षतावादी होनी चाहिए। एक अच्छी सोच, एक अच्छी शोध, किसी भी शोध के लिए आप जो सोचते हैं, आपकी सोच रहती है, वो हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए। अच्छा, एक अच्छी शोध वह है जिसे निष्पक्ष रहकर शोधार्थी अपने प्रश्नों के उत्तर खोजता है। आप किसी भी विषय पे अध्ययन करना चाहते हैं, किसी भी विषय पे रिसर्च करना चाहते हैं, उनके जो प्रश्न आपके मन में घूम रहे हैं, आप जो जानना चाहते हैं, उसको निष्पक्ष रूप से अगर जानने का प्रयास करेंगे, वस्तुनिष्ठ रूप से जानने का प्रयास करेंगे, तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, तो वो बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ उपयुक्त उपकल्पनाएं बनाएं। हर किसी के मन में रिसर्च के पहले कुछ विचार आते हैं, पूर्व अनुमान रहते हैं, वो उपकल्पनाएं कहती हैं। तो आपकी वो जो उपकल्पनाएं हैं उनके बारे में आप जो अध्ययन करना चाहते हैं, अगर आप निष्पक्ष नहीं होंगे तो आपके शोध प्रश्न और जो आपकी उपकल्पना, आपने जो पहले से विचार किया, उनके बीच में अनुरूपता नहीं रहेगी, सिमिलरिटी नहीं रहेगी, उसमें विरोधाभास आएगा। इसलिए आपने जिन विषयों के बारे में अध्ययन करना चाहे, जिनके बारे में आप सोचना चाहते हैं, जिनकी आप खोज करना चाहते हैं, इसलिए निष्पक्ष होके आप उन शोध प्रश्नों को तलाशने का, अध्ययन क्षेत्र से जानने का प्रयास करें। तो पहला बिंदु, हर किसी को निष्पक्ष होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, निष्पक्षतावादी होना चाहिए, तभी आपकी शोध उत्तम हो पाएगी, गुड क्वालिटी रिसर्च हो पाएगी। दूसरा, कंट्रोल, नियंत्रण। जी हाँ, एक शोधार्थी को शोध करते समय बहुत सी चीज़ों पे कंट्रोल करना होता है, नियंत्रण करना होता है, अर्थात उत्तम शोध के लिए आवश्यक है कि आप में कंट्रोल हो। एक अच्छी शोध वही होती है जिसमें सभी प्रत्ययों, वेरिएबल्स पे आपका नियंत्रण हो, आपके नियंत्रण से बाहर नहीं होना चाहिए। वेरिएबल्स अगर आपके नियंत्रण में हैं तो आप अच्छे से अच्छी शोध कर सकते हैं। यहाँ पर जरूरी है, आप देखेंगे सामान्यतः क्या होता है कि सभी स्तर जो हैं हमारे रिसर्च के, कई स्टेप हैं, स्टेप बाय स्टेप होती है, तो बेतरतीब ढंग से ना करें, उनको बेढंगे ढंग से काम ना करें कि आपने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी करी, कुछ को टाल मटोली कर दी। इसलिए आप देखिए, विषय का चयन भी गंभीरता के साथ करें, आप सैंपल साइज जो ले रहे हैं वो भी निष्पक्ष रूप से और बिना किसी उसके करें, एक सैंपल वैज्ञानिक दृष्टि से करेंगे, सैंपल साइज तो अच्छा होगा, बहुत बड़ा सैंपल भी नहीं होना चाहिए, ना ही छोटा सैंपल होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए। आप जो प्रयोग कर रहे हैं उसकी जो प्रक्रिया है, प्रयोग करने के लिए जो जो प्रक्रियाएं आप अपना रहे हैं, जो टेक्निक अपना रहे हैं, वो पद्धति भी आपकी उपयुक्त होना चाहिए। और स्वतंत्र चरों पे जो आपके वेरिएबल्स हैं, जो स्वतंत्र चर हैं, जो फ्री वेरिएबल्स हैं, उन पे आपका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। कंट्रोल किसी भी रिसर्च के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी भी रिसर्च को करना चाहते हैं, किसी क्षेत्र में जाते हैं, अगर आपके ऊपर कंट्रोल ने, आपने ये भी देख लें, वो भी देख लें, ऐसा कर लें, तो आपकी रिसर्च आधी अधूरी कहलाएगी। फिर है सामान्यीकरण, जनरलेबिलिटी, जनरलाइजेशन होना चाहिए, सामान्यीकरण होना चाहिए। सामान्यतः एक समरूप पद्धति, एक आइडियल मेथड सभी अपनाते हैं जिससे एक समान रिजल्ट मिलते हैं। आप भी रिसर्च करेंगे, आपके रिजल्ट आएंगे, मैं करूंगा, मेरे एक रिजल्ट आएंगे, समान आते हैं, लेकिन इनका जनरलाइजेशन करना चाहिए, इनका सामान्यीकरण करना चाहिए जिससे कि समाज के लिए समान हो जाए। फिर चौथा बिंदु है फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस्ड। जी हाँ, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस्ड, पूर्वाग्रहों से मुक्त।
किसी भी शोधार्थी को जो उसके पूर्वाग्रह हैं उनसे मुक्त होके रिसर्च करना चाहिए। आप देखिए कि जितने भी जो प्री पोल होते हैं ना, सर्वे होते हैं चुनाव में, उसमें वो गलत क्यों लगते हैं? जब पार्टियां कराती हैं, पार्टियों के संबंधित आदमी करता है, तो वो पार्टी के साथ उसका रुझान होता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित रहता है, वो उन्हीं लोगों से मिलता है जो उनके फेवर की बात करते हैं, और देखिए उनके रिजल्ट ख़राब हो जाते हैं। तो पूर्वाग्रह से अगर आप ग्रसित होके फ्री नहीं हुए, अपने पर्सनल बायस से आप नहीं अलग हुए, तो आपके रिजल्ट आधे अधूरे आएंगे और आपकी रिसर्च एक अच्छी रिसर्च नहीं होगी। एक अच्छे रिसर्च के लिए, एक अच्छे शोध के लिए प्रत्येक शोधार्थी को पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। और इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, अपना सिस्टमेटिक। प्रत्येक रिसर्च आपकी सिस्टमेटिक होना चाहिए, कई स्टेप में होती है, तो हमें सारे स्टेप वेल प्लान करना होंगे। स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना होगा, और एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या है उसको विधिवत रखना होगा, क्योंकि एक शोध जो भी हम करते हैं उसका एक कदम अगर आपने चला तो आपका अगला कदम जो है उससे जुड़ा रहता है। आपका एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आपके साथ जुड़ा रहता है, और एक पहला कदम दूसरे कदम को लीड प्रदान करता है। तो सिस्टमेटिक रूप से करना चाहिए, आपकी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए रिसर्च में, सामान्यीकरण जनरलाइजेशन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बाइस्ड जो है, आपके पर्सनल बाइस्ड से फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस्ड होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, और रिप्रोडक्टिबल अंतिम बिंदु जो है वो रिप्रोडक्टिबल यानी पुनर्उत्पादनी या प्रतिलिपि प्रस्तुत करने। आप जो भी रिसर्च करते हैं ये उसका एक मापदंड है, क्योंकि आप जो भी करेंगे रिसर्च उसमें आपके बाद लोग बाग उसको देखेंगे, तो प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग है कि उसके आधार पे दूसरा उस रिसर्च को आगे बढ़ाए। तो ये एक मुद्दा है। कुछ मापदंड बताता हूँ आपको रिसर्च के लिए क्या जरूरी है मापदंड एक रिसर्च, एक अच्छी रिसर्च के लिए। मैंने पहले का फीचर आप एक गुड रिसर्च स्टडी के लिए आपको इन बिंदुओं पर काम करना होगा। इन बिंदुओं को लेकर अगर आप काम करते हैं, आप निष्पक्ष होते हैं, आप नियंत्रण में रहते हैं, सामान्यीकरण की बात करते हैं, पूर्वाग्रहों से अलग होते हैं, सिस्टमेटिक एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं, रिप्रोडक्टिबल होते हैं, तो आपकी रिसर्च हमेशा अच्छी होगी, उत्तम होगी। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको यहाँ देखना चाहिए कि आपके मापदंड क्या है एक अच्छी रिसर्च के। पहला, आपका उद्देश्य स्पष्ट हो। आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए हम क्या अध्ययन करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कैसे अध्ययन करना चाहते हैं। जनजाति कृषि पे अध्ययन करना चाहते हैं, जनजाति क्या है, जनजातियों की कृषि क्या है, ये उद्देश्य आपका स्पष्ट होना चाहिए। शोध प्ररचना, रिसर्च डिजाइन आप अच्छी तरह से बनाएं। प्रत्येक रिसर्च के लिए एक डिज़ाइन, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी है, उसी तरह से किसी भी रिसर्च के लिए उसकी डिज़ाइन करना बहुत जरूरी है। तो व्यवस्थित तरीके से बनाएं। उच्च नैतिक माप, जो आपके उच्च नैतिक मानदंड हैं ये लागू हों। आपको किसी भी रिसर्च के लिए नैतिकता बहुत जरूरी, उच्च नैतिक मापदंड होना चाहिए, हाई एथिकल स्टैंडर्ड अप्लाई करना चाहिए। किसी भी रिसर्च में हमको हाई एथिकल स्टैंडर्ड अप्लाई करना चाहिए। लिमिटेशन फ्रैंकली रिवाइल, जो भी आपके सीमाएं हैं अध्ययन की सीमाएं, वो स्पष्ट रूप से आपको होना चाहिए, उन सीमाओं को स्पष्ट रूप से रखिएगा। कंप्लीट एंड प्रॉपर एनालिसिस, आपका रिसर्च पूर्ण और उचित विश्लेषण वाला हो, आधा अधूरा नहीं हो, कंप्लीट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, उचित और पूर्ण विश्लेषण वाला होना चाहिए। फाइंडिंग प्रेजेंटेड होना चाहिए, आप जो भी हों आपकी फाइंडिंग्स जो भी आती हैं वो निष्कर्ष प्रस्तुत करने वाली हों, जिसमें कि दिशा हो, डिसीजन बेस्ड कंक्लूजन, आपका जो भी डिसीजन हो, आपके निष्कर्ष जो भी आते हों वो निर्णय आधारित होना चाहिए। ये कुछ बिंदु हैं, अगर हम रिसर्च में इनका प्रयोग करते हैं तो हमारी रिसर्च बहुत अच्छी होगी। जैसे पर्पज़ क्लियरली डिटेल में होना चाहिए, पर्पज़ आपका क्लियरली होना चाहिए, रिसर्च डिज़ाइन थारोली प्लान करना चाहिए, हाई एथिकल स्टैंडर्ड अप्लाइड करना चाहिए, लिमिटेशन फ्रैंकली रिवाइल्ड होना चाहिए, कंप्लीट एंड प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, फाइंडिंग प्रेजेंटेड अनबायसली होना चाहिए, डिसीजन बेस्ड कंक्लूजन होना चाहिए। तो ये एक फीचर आप एक गुड रिसर्च स्टडी, इसके बारे में मैंने आज आपसे चर्चा करी कि आपकी रिसर्च स्टडी कैसे बहुत अच्छी हो सकती है, उसके क्या क्या मुख्य बिंदु हैं, उसके क्या क्या फीचर हो सकते हैं, ये बताइए। अगर आप इनको करेंगे किसी भी फील्ड में, चाहे सोशल साइंस में करें, चाहे साइंस में करें, चाहे मैनेजमेंट में करें, या आप कॉमर्स में करें, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होगी, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, और समाज के लिए, देश के लिए, या जिस संस्थान के लिए आप कर रहे हैं या व्यक्तिगत कर रहे हैं, आपको बहुत वाहवाही मिलेगी, आपके एक अच्छा रिसर्च होगा। तो रिसर्च मसाजी के अंतर्गत इन बिंदुओं पर रखेंगे आप, तो आपकी रिसर्च स्टडी बहुत अच्छी होगी। मेरे वीडियो को, आज जिस वीडियो में मैंने रिसर्च स्टडी पर बात की है, इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको ऐसे ही नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी।
नमस्कार।